नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अविनाश है और मैं शराबी हूँ। हाय हाय हेलो अविनाश। अविनाश जी। ए की संगत में रहकर मुझे जो भी मेरे मन मन परिवर्तन हुआ, वैचारिक परिवर्तन हुआ, मेरे अंदर में जो पर्सनलिटी चेंज हुआ, उसके वजह से मैं यहाँ शराब से दूर हूँ। अगर मैं ए की मीटिंग्स में अटेंड नहीं करता था तो मेरे अंदर में जो बदलाव जो होना था वो बदलाव नहीं होने की वजह से मैं आज भी शराब पी रहता था, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, मुझे बहुत 5-6 महीनों से मुझे बोला जा रहा था कि आप स्पीकर मीटिंग करिए, मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन सत्यन भाई ने मुझे आखिर तक छोड़ा नहीं। तो सत्यन भाई की ही मेहरबानी है कि मैं आज ये स्पीकर मीटिंग पे, कल कल मुझे उनको नहीं बोलने की इच्छा नहीं हुई और मैं आज तैयार हो गया। तो वैसा मैं अपने आप को अभी भी परिपक्व नहीं समझता हूँ कि मैं स्पीकर मीटिंग में अपने योगदान दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे गुरुओं को और ईश्वर को ताकत मांगता हूँ कि मैं आज के इस सब्जेक्ट के साथ में न्याय कर सकूँ और बात कर सकूँ। तो दोस्तों, आज का विषय है पावरलेसनेस, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। मेरा अल्कोहलिज्म 15 से 16 साल का है। ए में आने के पहले मुझे इस बीमारी के बारे में या फिर शराब पीना अपने आप में बीमारी है इस बारे में पता नहीं था। मेरे जो पीना था उसको मैं एक शौक, एंजॉयमेंट, थ्रिल, फ्रेंडशिप, रिलीफ, एंटी डिप्रेसेंट और एक थकान दूर करने का साधन मान के चलता था। और मुझे ये ऐसा लग रहा था कि भाई समाज को इसको मान्यता है, क्योंकि समाज में शराब पीने वाले लोग सोशल फंक्शंस में दिखते हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसको एक्सेप्टेंस है, तो इस सोशल एक्सेप्टेंस अगर इस चीज को है तो मैंने इस चीज को पीना चाहिए, या फिर मेरा मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे ये पता चला कि आई एम एन एबनॉर्मल पर्सनैलिटी। मेरा शराब पीना स्वाभाविक या साधारण नहीं है, वो मेरा शराब पीना एक बीमारी के लेवल पे आ गया है, डिजीज के तौर पे आ गया है। ये भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि अल्कोहलिज्म बीमारी अगर है तो समाज उसको मान्यता कैसा देता, या समाज में लोग क्यों पीते हैं। तो एक ही जैसे जैसे मैं मीटिंग्स में आया, आते रहा, और जैसे जैसे मैं इस गहराई में जाते गया, तब मुझे कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग हुई मेरे मेरे दिमाग के ऊपर। ये बीमारी है, स्पिरिचुअल डिजीज है, बैंकरप्सी है, फिजिकल एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है। तो मुझे धीरे धीरे मेरे माइंड पे बम्बार्डिंग होने की वजह से मैं ये स्वीकार करने लगा कि बीमारी है घर। और सबसे बड़ा काम इसने जब तब किया जब मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बोला कि बीमारी है करके, तो उसके सामने तो फिर मेरी बुद्धिमत्ता खत्म हो गई। तब मैंने अपने किंतु परंतु पूरे खत्म कर दिए थे। एक शेयर जब बोल रहा था कि भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको बोला है कि बीमारी है, तो फिर अविनाश इतना इतना ज्ञानी और महापुरुष नहीं है कि WHO को वो बोल सके कि तुम गलत हो कर। खैर, डायरेक्ट विषय पे आता हूँ दोस्तों। 15-16 साल का अल्कोहलिज्म है, पावरलेसनेस, शक्तिहीनता। मैं मेरी जिंदगी में ऐसा सोच रहा था कि एक दिन, जैसा मैं रोज मटन खा रहा हूं या रोज मैं बैंगन की सब्जी खा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि साला एक दिन मेरे को ऐसा लगता कि भाई घी ना जाती, कि भाई अभी बैंगन नहीं होना यार, अभी मटन नहीं होना यार, अभी अभी ढंडे से नहीं होना यार। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा शराब पीते पीते कि मेरे को शराब की घी ना आएंगी साले, हट अभी शराब नहीं होना घर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं साला, उसका क्वांटिटी बढ़ती रही। मेरी आत्मा तृप्त हो जाएंगी और उसके बाद मेरी आत्मा बोलेंगी कि अभी अविनाश हो गया तेरा शराब पी के बहुत, अभी तू शराब मत पी, हो गया, तेरे को जितनी जिंदगी में मजा लेना था मैंने दे दिया करके। लेकिन साला वो दिन कभी जिंदगी में आया नहीं। जिंदगी में समस्याएं बढ़ती गई, जो अनमैनेजेबल थी जो बोलते हैं वो बढ़ती गई, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यवहारिक।
और जहां पे मैं काम धंधा करता हूं वहां पर मेरे व्यवसाय में हर तरीके से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी किस दिशा के तरफ जा रही है। ए में आने के बाद में मुझे पहला कदम बताया गया, वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। तो दोस्तों ये जो है ना, मैंने बहुत बार मैंने है ना स्टेप्स पे बहुत चिंतन मनन करता हूं हर वक्त कि भाई ये शब्द क्यों है यहां पे। वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, वहां पे ये क्यों नहीं लिखा है कि वी एक्सेप्टेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, और एडमिटेड ही क्यों दिया गया है। फिर मैं एक बात बोलता हूं, एक अपन एक मैं कभी कभी सोचता हूं कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट क्या रहता है, उसको बोलते हैं डॉक्टर इसको एडमिट करना पड़ेगा, और किसको बोलते तू दवाई लेके चले जा। तो वो भी मैं फिर रिलेशन लाता हूँ, वो भी मैं विचार करता हूँ कि भाई फर्स्ट स्टेप का जो एडमिटेड है और डॉक्टर मेरे को जो एडमिट करना बोलता है उसमें कुछ कोरिलेशन है क्या था। एक मेरे 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 घर में कोई मेरे पास बंदा आया है, मेरे को कोई गिफ्ट दे रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं ये मेरा चॉइस है। जनरली मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं उसको बोल सकता हूं कि यार तकलीफ क्यों की है यार तुमने, नहीं लाना था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपको बुक्स की शादी में बुलाना चाहता था, मेरा इन्विटेशन ही काफी था, आपका प्रेजेंस ही मेरे लिए महत्वपूर्ण था घर। लेकिन एडमिटेड में वो बात नहीं आती दोस्तों, एडमिटेड में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि मुझे वो डॉक्टर एडमिट क्यों करता है, वो बोलता है कि भाई इसको एडमिट नहीं किया तो पेशेंट गवा सकते हैं, सीरियस हो सकता है केस, इसे मैं एडमिट करता है, चिल्लर लेवल पे नहीं करता हूं, सर्दी खोखला जाला तर एडमिट नहीं करता, कहते कि सीरियस अस्ते पेशेंट बन तो एडमिट करता है। तो मेरे जिंदगी में भी कुछ तो भी सीरियस हुआ है तभी मैं एडमिट कर रहा हूं, ये मैंने समझ लेना चाहिए। एडमिट और एक्सेप्ट में फर्क है, वी एक्सेप्टेड वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। मैं ये एक्सेप्टेंस और एडमिटेड की बात कर रहा था। देखो एक फाइट हो रही है, सपोज दो पहलवान फाइट कर रहे हैं, वहां पे रेफरी वो क्या फाइट होने के पहले ही बोल देता क्या कि अरे यार मैं हार गया यार, उसको देख वो बोलता नहीं यार मैं आजमाऊंगा साले को इसको पहले, तो वो वहां पे जाता है आजमाता है, दो बार तीन बार गिरता है फिर भी वो उठता है कैसे तो भी, फिर बोलता है लड़ेगा क्या, तो रेफरी बोल रेफरी उसको बोलता तो लड़ेगा क्या, तो वो बोलता नहीं मैं लड़ूंगा, वो रेफरी बोलता लड़ मेरे क्या हाला उसमें। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है उसमें वो 10 बार गिनता और वो खड़ा नहीं हो पाता, तो रेफरी उसको डिक्लेयर कर देता कि भाई ये फाइट करने के लायक नहीं है कर। दोस्तों दारू ने मेरी ऐसी अवस्था कर रही थी, और इसमें रेफरी मैं ही हूं, मेरा रेफरी कोई नहीं है यहां पे, मेरे कोई बताने वाला नहीं है कि अविनाश तो सरेंडर कर ले करके, वहां पे फाइटिंग में जो रहता है वहां पे रेफरी रहता बताने के लिए कि भाई अभी तेरे पांचवें राउंड में छठवें राउंड में सातवें राउंड में या दसवें राउंड में तेरी औकात हो गई है, तू बिल्कुल गलत कर दिया तेरे को अगले आदमी ने, और अगर तू इससे ज्यादा लड़ेगा तो फिर तेरे को इंजुरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मैं ही मेरा रेफरी हूं, और वो रेफरी डिसीजन कब लेता है मेरा खुद का, ये देखो ये जो है ना सरेंडर वाली बात या पावरलेस वाली बात कि मैं शराब के सामने कमजोर हूं, यह ना थोपने वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं सत्यन को बोल नहीं सकता, ए सत्यन चल तू सरेंडर हो जा, पावरलेस है तू, और मैं बोल रहा हूं ना तेरे को सरेंडर हो जा करके, तेरे को शराब नहीं जम रही है, तू नहीं पी पा रहा है। वो जब तक सरेंडर होने के लिए जो कुछ भी परिस्थितियां मेरे जिंदगी में उत्पन्न नहीं होती है तब तक मैं सरेंडर नहीं करता हूं। मेरे को किसी ने पहले दिन बोला रहता है अरे अविनाश तू साले फटे पे किया तू तू अल्कोहलिक है, तू सरेंडर हो जा पावरलेसनेस है, तू सर पे तुम्हें बोला भोले साले अपने घर जा चुपचाप चल, ज्यादा शानपन बताता है मेरे को। मेरे को 14 साल मैंने शराब की आजमाइश किया हूं, अपनी पूरी ऐसी तैसी किया हूं, उसके बाद में मुझे पता चला है कि मैं शराब के सामने कमजोर हूं और मेरी जिंदगी खराब हो गई, तब मैंने ये पावरलेसनेस को स्वीकार किया हूं। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अविनाश ने जितनी शराब पिया है उतनी शराब किसी और ने पीना चाहिए या उससे ज्यादा पीने की, एक क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि ये क्वांटिटी पीने के बाद में आदमी सरेंडर करता है करता है। ये एक इमोशनल एंड थॉटफुल प्रोसेस है। मैं ऐसा खड़ा रहता हूं कुछ भी अपने जिंदगी के बारे में, और मेरे अंदर में जो विचार चलते रहते हैं कि
त्या विचारांची उलथा पालथा होते माझ्या मनामध्ये, देवाणघेवाण होते, और उसमें से मेरी अंदर से आवाज आती, अरे यार अविनाश भी बहुत हो गया यार, जिंदगी तरह से कहीं तो भी साला कहीं रुकना पड़ेगा। ये जब तक अंदर की आवाज नहीं आती दोस्तों, तब तक मैं सरेंडर करने के तैयार नहीं होता हूं। अपने एरिया में बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे जिनका, देखो दोस्तों दारू में इतनी ताकत है, अगर मैं दारू का पावरलेसनेस स्वीकार नहीं करता हूं, सरेंडर नहीं करता हूं, तो अपनी कीमत वो वसूली कर लेंगी बिल्कुल। जितना वो मेरे को आनंद देती थी, वो आनंद का पूरा मुबदला उसकी कीमत मेरे से वसूल करके लेंगे। मेरे को क्या लगता है, अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो मेरा कोई बाल बांका नहीं होगा? जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मेरी मेरी ये निकलेंगे अंतिम यात्रा, अगर पावरलेसनेस मैं स्वीकार नहीं करता हूं, तो लोग मेरे को छींची और थूथू करेंगे। एक उदाहरण बताता हूं, एक एक हमारे परिचित थे मेंबर, वो श्योर अल्कोहलिज्म से मर गए थे, और उसके बीवी को बोला जा रहा था कि यार तू रड़ ले यार, मैंने या तेरा आदमी मर गया है, तू इसके लिए कम से कम दो आंसू तो गिरा। बोले मैं क्या इसके लिए रोऊं, बोले इसके लिए ना मेरे घर में साला बर्तन देखो, बोले साला एक निवाला चावल नहीं है, बोले और साला मेरी साड़ी देखो, बोले फटे हुई, आदमी मर गया, मेरे को क्या क्या रो, बोले मैं इसके लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं टाइम पे वक्त पे, जब मेरे को ये बताती है, अगर मैं सरेंडर को स्वीकार नहीं करता हूं और अपने अहंकार में रहता हूं, तो मेरी दर्दनाक भयावह और एक बहुत ही कुत्ते समान जिंदगी की मौत हो सकती है, इसके लिए मैं तैयार हूं क्या? इसीलिए अल्कोहलिज्म बोलते हैं कि हम ऐसे दो राह पे खड़े हैं जहां पे हमारी एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ हमारा रिकवरी का रास्ता है, चयन मेरे को करना है दोस्तों। और एक दो उदाहरण बताता हूं सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस के। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा दारू और शराब के सामने एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो देखो मैं डॉक्टर के पास गया, अभी एक एक मेरा बहुत ही नजदीक का दोस्त मेरा बीमार था, उसका ऑपरेशन हो रहा था कमर का, उसको लैट्रिन को बैठना उठना कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं उसके पास गया, वो इतना चल विचल था, और यार साला ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर बराबर ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को फिर से बैठना आएगा कि नहीं आएगा। मैं उसको सिर्फ एक बार उसके पास गया, ए मेंबर ही था, मैं बोला यार तू एक काम कर, जो होगा नहीं होगा, अपन तो अभी अपन तो बिना ऑपरेशन के तो जी भी नहीं पा रहे हैं, और अपने को बहुत तकलीफ हो रही है, असहनीय हो रही है, तू एक काम कर, डॉक्टर को तो सरेंडर हो जा, डॉक्टर जो भी बोलता है उसको जैसा भी होगा उसके लिए सरेंडर हो जा। तो मैंने उसको बोलने के बाद में उसको मैंने देखा कि मेरे अंदर की जो चहल पहल थी, जो ऐसा उतावलापन था, और एक क्या होगा कि क्या नहीं, ऐसी एंग्जाइटी जिसको बोलते, वो एंग्जाइटी एक शांत हो गई थी। तो मुझे ये कहना है कि मैं दारू के सामने जब मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, पावरलेसनेस को स्वीकार करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, तो मेरे अंदर में एक आत्मिक शांति का उत्पन्न होता है, अननोन होती है वो वाली, मैं झगड़ा नहीं करता हूँ। मेरे किसी को बोलता है अरे साले ने आमचा आयुष्य बर्बाद केला, बे साले तू बेवड़ा चललास रे, साले किती पेलास रे, असं केलं तसं केलं, तो मैं कि नहीं उसको उसकी उससे कि नहीं मैं बहसबाजी नहीं करता हूँ, मैं उसका एक्सेप्ट करने लगता हूँ, स्वीकार करने लगता हूँ। अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो अगर मेरे अंदर में रियल सरेंडर नहीं है, पावरलेस नहीं है, मैं उससे भिड़ जाता हूँ, भाई साले तेरे बाप की पिता हूँ कह रहे हैं, तेरे को ऐसा कर रहा है कह रहे हैं, तेरे को क्या हो रहा है, मैं अपने ये कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, तेरे को क्या लेना देना। और अगर मैं सरेंडर, तो सरेंडर के मापदंड है कि मैंने सरेंडर किया या नहीं किया। मेरा एक दोस्त था, मेरे को बहुत इच्छा थी ए में आना चाहिए, बैठना चाहिए, साला उसको के लिए हर दो दो मिनट में फोन आ रहा है और वो जा रहा बाहर में। मैं उसको बोल रहा हूँ यार यार एक आध घंटे के लिए फोन बंद कर दे, मैं मालूम है तू बहुत वीआईपी आदमी है करके, सुन तो कम से कम, ये क्या सुनना है, बोले मेरे को 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद उसको हार्ट अटैक से मौत होगी। तो ये है ना, मेरे को एक ही मीटिंग्स की बात सुनना बेकार लगने लगता, बेमानी लगना लगता है। अगर मैं सही में सर, अभी उस दिन कल उमेश शेयरिंग कर रहा था कि मैंने बोले 60 दिन के अंदर 280 शेयरिंग की, 80 मीटिंग किया, बोले उसके अंदर में वो सरेंडर वाली भावना और पावरलेसनेस को स्वीकार करने के बाद में मुझे कुछ नया सीखना है, ये वाली बात थी। करेंगे ना, देखेंगे ना, अभी बहुत समय है ना, बाद में करूंगा ना, एक्सक्यूजेस नहीं देता हूं मैं मेरे इसमें। जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि मैं एक अल्कोहलिक वर्क, और एक स्लोगन है दोस्तों, द पावर इन पावरलेसनेस। मैं अपने आप को पावरलेसनेस को कब स्वीकार करना पड़ता,
जब मैं मेरी पूरी आजमाइश कर लेता हूं, मेरे को जब लगता है कि मेरी समस्या मेरे से बड़ी है, यानी मैं उसको हैंडल नहीं कर सक रहा हूं, मेरे पास में जो तंत्र मंत्र सब कुछ है, जो कुछ भी है, जो बोलते हैं सामदान दंड भेद, सब मैं उपयोग कर लेता हूं उसको, और उसके बावजूद भी मेरे को लगता है कि साला इसके बाद भी साला मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरी समस्या जब मेरे से बढ़कर हो जाती है, मेरे नियंत्रण के बाहर हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, और एक जिंदगी में ऐसा मौका आता है, वहां पे ऐसा एक क्षण आता है ऐसा कि नहीं यार अभी साला अगर अपन ने रोके नहीं तो साला कुछ कम कम जाना। मेरे को क्या एक मीटिंग के पहले मैसेज नहीं मिले क्या, आने के पहले 4-5 बार मैसेज मिले, मेरे को कभी नहीं लगा मेरे को जाना चाहिए करके एक मीटिंग में, मेरे को लगता ये मेरे दोस्त ने जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, सारा मैंने कभी नहीं बोला मेरे को जाना चाहिए। एक वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा है कि उस वक्त लगा कि यार मैंने जाना चाहिए, वो था मेरा सरेंडर का पीरियड, वो था मेरा पावरलेसनेस स्वीकार करने का पीरियड। तब मैं देख रहा था मैं कहां, मैं डीआईडी सेंटर में जाऊं, ए में जाऊं, किसके पास मिलूं, कहां जाऊं, दवा कहां जाऊं। दूसरा एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, मेरे बॉस के पास में एक बंदा काम कर रहा था, वो उसको थोड़ा सा उसने बताऊंगा काम ऐसा गड्ढा उड्ढा कर करके खोद वगैरह, तो बोलता हूँ इसी डिटेल में जाने से अच्छा उसने साहब ने जो कुछ ये काम बताया वो काम करने के लिए उसने उसको नकार दे दिया। उसको लगा क्या कर पाएगा साहब, कब चार्जशीट मिलेंगे, कब सैलरी लेटर देगा, ये करेंगे, उसने उसका 1 महीने का पगार रोक दिया। उसके साथ मेरा अच्छा था, उसने मेरे को फोन किया साहब मैंने पहाना मैंने दिवाली थी, फिर उसने दूसरे महीने का भी पगार रोका। तो उस बंदे ने दूसरे महीने में उसके जाके पास पाव ही पड़ गए, सर जी बोले मेरी गलती हो गई, बोले आप जो काम बताएंगे वो करूंगा। तो पहले महीने में उसने क्यों नहीं बोला साहब मेरी गलती हो गई करके, उसको लग रहा था कि साला भाई मेरे दोस्त से इधर से मांग लूंगा उधर से मांग लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पगार मिल जाएगा, 1 महीना चला लिया। दूसरे महीने में उसको लगा कि साली उधारी भी बढ़ गई, दिवाली भी है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो डायरेक्ट वहां पे जाके सर पे साहब के सामने पाँव छू लिए, साहब बोले मेरे से गलती हो गई, आप जो काम बताएंगे वो मैं करूंगा। वो था सरेंडर का क्षण, वो था मेरा सरेंडर का क्षण कि नहीं अभी मैं मैनेज नहीं कर सक रहा मेरी जिंदगी। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ये जो है इमोशंस और थॉट्स दोनों जब मिक्स हो जाते हैं और एक उसमें चेंजेस ऐसा वो जो तूफान कैसा आता है, वैसा तूफान आता मेरे अंदर में विचारिक कि यार दारू थामो कि नहीं थामो, थामो कि नहीं थामो, फिर एक वो विजय हो जाता वहां, नहीं यार बहुत हो गया यार साली अभी तो अभी कुछ चेंज करना चाहिए, मौत है, बेकारी है, बदनामी है, सब कुछ दिखता है उसमें, और ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बहुत हो गया। तो वो चल रहा था दोस्तों, वो मेरे को पकड़ना पड़ा। अभी ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से मैं सरेंडर करता हूं? तो अल्कोहल ए बोलती है कि भाई सबसे ज्यादा अगर हिंड्रेंसेस आते हैं अगर मेरे अल्कोहल की वजह से तो वो है मेरा ईगो। हट ताली दारू एक सड़ी सी चीज है, ये सड़ी सी चीज के सामने मैं सरेंडर हो जाऊं? अभी ना मैं दुनिया को फेस कर रहा है, मेरे को तो साले बड़े बड़े तीर मारना है, अगर दारू के सामने हार गया तो फिर बाकी के लोग तो साले मेरे तो फायदा उठा ले, ऐसे विचार मेरा अहंकार बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है मेरा, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं यार, मैं राजा हूं, किंग सिंड्रोम बोला जाता है उसको, मैं मैंने नहीं शराब मेरे लिए क्या है, मेरी इच्छा है बहुत प्रथम है, बाकी के सब गौण है, मेरी जवाबदारियां वगैरह, मेरी इच्छाओं को पूर्ति सत्य होनी चाहिए, राजा समान मेरा बिहेवियर रहता है, किंग बेबी सिंड्रोम बोलते हो। तो ये जो मेरा अहंकार है और मेरा जो किंग बेबी सिंड्रोम है, मेरी इच्छा प्रथम, वो मेरे अंदर में हर वक्त बाधा डालती है कि मैं शराब के सामने अपनी हार को स्वीकार ना करूं करती। मेरा एक मित्र था, डॉक्टर था, ए में आने की कोशिश की है, नहीं अहंकार इतना, जैसा पगार जेब में आ गया साले विचार बदल जाते मालूम है, जब तक पैसा नहीं है ये क्या है, ये कंडीशनल सरेंडर है दोस्तों। पैसा नहीं है करके मैं अपना दारू नहीं पी रहा। मैं एक गढ़चिरौली में एक मीटिंग में गया था, वो टीचर था, टीचर था,
आपके कोशिश आपके संगत में रहने के बाद मैं अभी शराब से दूर रहने की कोशिश करूंगा बोल रहे थे। अभी देखते हैं क्या होता है करके, अभी देखते हैं क्या होता है। इसमें भी समझ में आ रहा है कि क्यों अभी तक तुमने समझा भी नहीं क्या अपने सामने। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो तुम्हारे साथ में रहूंगा तो क्या बदल आते हैं। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही मीटिंग में आया हूं, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूं, मैं कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई भी अटी तटी की सामना क्यों ना आ जाए, मेरे को शराब के सामने सरेंडर होना ही होना है। और वो भी अनगंट बायको गेली मनून, पैसा नहीं आया मनून, बेज्जती झाली मनून, तबियत ठीक नहीं आया मनून, तात्पुरत थोड्या वेळासाठी जर मी सरेंडर करत आहो तर ही अनकंडिशनल सपोर्ट नाही आहे, अनकंडिशनल सरेंडर नाही आहे, अनकंडिशनल पावरलेसनेस का एक्सेप्टन्स नाही आहे। जिस दिन ये परिस्थिति खत्म हो जाएगी उस दिन मैं फिर शराब पीऊं। और हाँ, हम तो इतने इतने खतरनाक नाटककार लोग हैं ना। मैं एक बंदा अभी भी याद है मेरे को, घर में लाइट नहीं थी, गाड़ी गिर भी थी, खाना यहाँ लंग लंग था, 4-5 महीने से तो साला उसके घर में झाड़ू नहीं मारा। मैं उसके घर में गया और मेरे को मालूम था कि इसके पास कुछ नहीं है घर। मैंने उसको अपने घर में 1 महीना खाना खिलाया उसको, तो मेरे को मालूम था कि ये अगर खाना नहीं खाया तो मर जाएगा घर। उसको मैं क्या सोच रहा था उस बारे में, अभी 1 महीना तो मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ ऑफिस में जाने के, तो साला इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दूंगा, गाड़ी छुड़वा दूंगा, अभी नॉर्मल में हो जाएगा। साला जिस दिन पगार आया ना उसी दिन मेरे को फोन आया, जिस दिन उसको पगार हुआ उसी दिन मेरे को फोन आया कि साला वहां पे देखो कर। सुशील भाई का मेरे को फोन आया, अविनाश भाई उसको जाके देखो बोले। मैं बोला यार, और मेरे सामने महीना उसने इतना नाटक किया ना। अविनाश भाई बोले इसके बाद तो बिल्कुल चांस ही नहीं यार बोले पीने, कुछ भी हो जाए बोले उधर। हालांकि मेरे को भी बड़ा मैंने उसके ऊपर विश्वास आ रहा था, लेकिन जैसे ही पगार पैसा मिला तो आर्थिक अड़चन की वजह से मैं नहीं पी रहा हूँ, लेकिन जिस वजह से जिस दिन तो मेरा अनकंडी मेरे पास लबालब पैसा क्यों ना हो, मेरा आत्मसम्मान क्यों ना हो, मेरी बेइज्जती क्यों ना हो, मेरे मन के अनुसार काम हो रहे नहीं हो रहे हो, ये सब चीजें गॉन है दोस्तों जब मैं अपने सरेंडर अनकंडीशनल सरेंडर में करता हूँ। अनकंडीशनल सरेंडर ये मेरा मेरी 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 ये मजबूरी है। मेरी जिंदगी में मैं अभी जो कल सुशील मैंने शेयरिंग किए थे कि फेक इट टिल यू मेक इट, मैं क्या करता था, ये मैं आके मैं दोष देता था यहाँ के मेंबर्स को, नहीं मैं दारू नहीं बंद करना चाहता हूं, मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, आप सब गलत बता रहे हो, तुमने दारू की बात की करके मेरे को दारू की पीने की इच्छा रही। दोषारोपण करने वाली बात खत्म हो जाती, मैं एक्सेप्ट करने लगता हूं कि नहीं मेरी गलती है, मैं हूं। तो दोस्तों अनकंडीशनल सरेंडर ये बहुत बड़ा स्टेप है एक ही रिकवरी में। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैं आज एक ही मीटिंग में आया, हम बोलते हैं उसको कि आप मीटिंग्स में आते रहिए, मीटिंग्स में आते रहिए क्यों बोला गया है मेरे को। मैंने आज सपोज मैं अभी 10 दिन हो गए मैं मीटिंग में जा रहा हूं, 1 महीना हो रहा है मैं मीटिंग में जा रहा हूं, अगर मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरा सरेंडर कंप्लीट है और परमानेंट है, अभी मेरे को एक ही मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा था। मैं 3-4 महीने मीटिंग को गया, मेरे को साले वही डिजीज है, वही रिकवरी है, वही 12 स्टेप है, और वही अपना 12वां कदम बताते क्या साले रोज रोज वही सुनने का हो गया ना। अभी 3 महीने तो हो गए सुन के, अपने दिमाग में अपने दिमाग की जो मेमोरी कंप्यूटर है उसको फिट कर देंगे, जब भी दारू पीने की इच्छा होगी तो वो बटन चालू कर देंगे, वो पूरा रिकॉल करके किसने क्या क्या बोला, दारू पीने की इच्छा नहीं हो जाएंगी करके। साला 6 महीने के बाद में ऐसी दारू आई ना मेरे हाथ में, पता भी नहीं चला मैंने कब पी लिया करके। तो ये जो सरेंडर वाली जो बात है ये मुझे निरंतर करना पड़ता है डेली, इसलिए हमको बोलना कि सवेरे रोज प्रेयर करवा। मैं कब वो भूल गया था 6 महीने के बाद में मुझे प्रेयर करना है कभी पता ही नहीं। ये एहसास मुझे हर वक्त रहना चाहिए कि मुझे दादू के सामने रोज मुझे सरेंडर करना है और मुझे एक ही मीटिंग में वो माहौल में रहना है। अगर मैं उस माहौल में नहीं रहा और अगर उस चीजों में मैं नहीं दूर हो गया तो दारू पीने के विचार ऑटोमेटिक मेरे अंदर, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अविनाश को तू इसको ये लेके चलो रे बाबा। मेरे को बॉटल अच्छी लगने लगती है, वो लोग अच्छे लगने लगते हैं, बॉटल की बातें अच्छी लगने लगती है और पीना भी वो चखना भी अच्छा लगने लगता है, फिर बाद में बॉटल भी अच्छी लगने लगती है। तो ये जो है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये परमानेंट प्रोसेस मेरी जिंदगी में होने के लिए मुझे इसके लिए डेली उसके लिए मुझे कोशिश करना पड़ता है दोस्तों कि नहीं मैंने आज सरेंडर किया हूं, इसका मतलब ये मेरा परमानेंट नहीं है, मुझे कल भी करना है परसों भी करना है, इसके लिए मुझे एक ही मीटिंग में आना है।
तो कब वो मेरे को मेरी जिंदगी से वो कब फिर से शराब आ जाएंगी, फिर से कब वो निकल जाएंगी, और कब वो मेरे जो एक जो विचार है ना, वो एक ही विचारों की ताकत मेरे 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 दिमाग में और मेरे मन में परमानेंट लेवल पे रहनी चाहिए, भी ताकत रहनी चाहिए। जहां पे वो एक ही विचारों की ताकत कम हो गई तो समझ जाने का कि मैं अपनी तरफ से दारू की तरफ ऑटोमेटिक जा रहा हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो हर एक है ना, हर एक ए का सब्जेक्ट है, शुरुआत में थोड़े से चालू होता है, वो बढ़ते बढ़ते जाता है। अभी एक्सेप्टेंस वाली बात है, जो सरेंडर वाली बात है, जब मैं ए के सामने ए में आता हूं, ए में आता हूं, दारू के सामने मैं अपना सरेंडर स्वीकार कर लेता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं, पावरलेसनेस है। फिर बाद में मुझे पता चलता है यार, देखो मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को क्या लगा था, दारू के सामने ये बोलती है ना सरेंडर कर करके, कर लिया था जा, लेकिन जिंदगी की बाकी चीजों पे मैं सरेंडर करने, वो तो साली मेरे मन मुताबिक ही होनी चाहिए। दोस्तों मैंने पटक लिया पूरी अपनी, जितनी पटकनी थी उतनी, लेकिन मैंने देखा कि साला नहीं यार, ये चीजें मैं नहीं कर सक रहा हूं। मेरा परिवार जो टूटा हुआ था, मैं उसके साथ में अपनी अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो रहा था मेरे साथ में। बहुत सारी चीजें थी उसको, मुझे उसके सामने भी मुझे पावरलेसनेस स्वीकार करना पड़ा, मुझे सरेंडर करना पड़ा। वो मेरे जिंदगी का हिस्सा है, वो समस्या है, और उस समस्या के साथ मुझे जीना पड़ेगा, ये मुझे स्वीकार करना पड़ा। मैं समस्याओं के सामने कुछ, समस्याओं के सामने भी जो मेरी प्रेयर होती है वो सरेंडर किया मैंने। वो जो एक्सेप्टेंस सरेंडर वाली जो बात थी, अल्कोहलिज्म से दारू के सामने सरेंडर वाली बात, वो मेरे जिंदगी के अलग 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 अलग, अलग पहलू पे भी काम करने लगे। और जो मेरा और अगर मैं ये नहीं करता था, करने के पहले मैं बेचैन था, रात को नींद नहीं आती थी, सोना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मैं ये कर दिखाऊंगा, करूंगा, और हो नहीं रहा था। वह पिछली जिंदगी में जाके, पिछली जिंदगी में जाके कुछ करेक्शंस करूंगा, और वो करेक्शंस करने के बाद में मेरी जिंदगी आज हो जाएगी। मैं भूतकाल में जा ही नहीं सकता, भूतकाल में जाकर वो वक्त मेरी जिंदगी में आज आ ही नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी का एक परमानेंट सर्किट हो गया है, उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। वो मेरे को वो फटा है, मैं हर वक्त बोलते रहता हूं कि मेरे जिंदगी में कुछ चीजें फटी हुई है, वो फटा ही रहने वाला है। अगर मैं उस फटे को और ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो और फटेगा ताला, वो सिलने वाला नहीं है। तो वो मेरे जिंदगी में फटा जो है, वो फटा वैसे ही रहने वाला है, इसको स्वीकार करने वाली बात है दोस्तों, सरेंडर में और एक्सेप्टेंस में, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में। एक लास्ट में, अभी 9:10 हो रहे हैं, लास्ट में एक उदाहरण देता हूं। अभी जो अभी बांग्लादेश वो चल रहा है बीच बीच में, बांग्लादेश बांग्लादेश। तो दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो 92,000 थी, और उसको इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से घेर चुके थे, फिर भी वो बांग्लादेश की जो आर्मी थी वो बोल रहे कि नहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोग थे वहां पे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन वहां का जो ये था जनरल था, उसको मालूम था कि इंडियन आर्मी ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, अगर हम लड़ना चाहते तो 5 मिनट में 92,000 लोगों को मारने का समय नहीं लगेगा। और उन 92,000 लोगों की जान बचाने के लिए उसने पूरे आर्म्स एंड एम्युनिशन रख दिए इंडियन आर्मी के सामने। तो दोस्तों ये मैं मेरी जिंदगी का जो है, अगर मैं अपने अहंकार में रहता हूं तो दारू को बर्बाद करने के लिए और दारू से उध्वस्त करने के लिए मेरे को कुछ ज्यादा समय नहीं लगे। मैं अपनी जिंदगी अच्छी जीना चाहता हूं, हो सकती है, बशर्ते मैं अपने आप को ए में आकर सरेंडर को स्वीकार करो, पावरलेसनेस को स्वीकार करो कि नहीं। यस, एक मीटिंग में गया था, मेरी बीवी मेरे को बहुत कॉपरेट कर रही है, बोले मेरे अल्कोहलिज्म में रिकवरी में। तो बीवी कॉपरेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर भी कुछ दारू पी रहा तू? नहीं, फिर भी मैं शाम को पी रहा हूं, इसमें होता साला तेरे को दारू छोड़ना नहीं आती। नहीं, मेरे को वो कॉपरेट कर रही है। अरे कॉपरेट तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो साला कॉपरेशन भी नहीं मिला, अभी जाके पी के आ साले, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे को जो तमाशा करना वो करके ही रहेगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के बावजूद भी आदमी को सोबर रहना पड़ता। तो ऐसा नहीं है, इसको दिखाओ क्या है, मैं किसी को दिखाने वाला नहीं हूं, दिखने वाला मैं ही हूं। अभी इसको दिखाता हूं साले को 2 पैक पी के, कोई सोने वाला नहीं है,
वो जाके फिर से साला बदनाम कर देंगे, 5 साल करूंगा आता बदन आए पे लगा। तो मैं कुछ किसी को दिखाने उखाने के लिए नहीं पीना है मुझे, मैं अपना ही संयम संयमित रहूं, अच्छे से रहूं, और मैं हर रोज ये सरेंडर जो पार्ट है, एक्सेप्टेंस वाली बात है, मैं हर रोज बोलते रहता हूँ। मेरी रिकवरी में जो सर्कस में रहता ना, वो तार पे चलने वाली बात है दोस्तों, तार पे। वो जो कितनी भी करतब करते रहेंगे वो सर्कस में तार पे, लेकिन उसको कितनी भी कूदेगा कादेगा कुछ भी करेगा, लेकिन वो पाव जब नीचे आता तो तार पे रखता हूँ, उसको मालूम है कि वो तार पे अगर मेरे पाव नहीं रहे तो मैं गिरने वाला हूँ करके। तो दोस्तों मेरा जो पावरलेसनेस सरेंडर और मेरी रिकवरी है, जो मेरी सोबराइटी है, वो सोबराइटी मेरी तार पे टिकी हुई है। मैं बाद में कितना भी कुछ उससे मेरे प्रगति में काम करूं, वहां से मेरा पाँव उसी चलना चाहिए ये मैं देखो, या फिर मैं इतनी उसी चलना लगूं पाँव वहां पे ना आए। हाँ, मेरे को बशर्ते समय लग सकता है, टाइम लग सकता है मेरे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी खाई कर दे कुछ काम कर। मेरी पहली स्लिप इसी की वजह से हुई, मेरे को लग रहा था कि साला यार मेरे साथ के लोग तो बहुत सारे आगे चले गए, जब मैं बेहोशी में था तो ऐसा बोल लगता था चुटकी भर हम इसके चुटकी में इनके इनके साथ आ जाएंगे, ताले इसने इतने इतना क्या कभी भी ला लेंगे, लेकिन जब साली आंखें खुली तो मुझे लगा कि अरे यार साला ये तो बहुत आगे चल गए, मैं तो बहुत पीछे हूँ। मैंने एक जमीन खरीदा साला, आज तक मेरे नाम पे नहीं, मुद्दर भी रहा बैठा मैंने मेरे पास में, मेरे को लग रहा था साला जमीन खरीदेंगे बेचेंगे पैसा आएंगे इनके साथ में आ जाएंगे। तो घाई गड़बड़ी में कुछ भी चीजें करनी नहीं है मुझे, मेरी रिकवरी की प्रोसेस जो है, मैंने जो सरेंडर किया हूं, मैंने जो बर्बादी किया, जो पावरलेसनेस है वो 15-16 साल का है, और उसकी रिकवरी भी मुझे धीरे धीरे होने वाली है। एक दिन में ऐसा कोई मैरेकल नहीं है, जादू की कांटी नहीं है कि हो जाएगा अगर। तो दोस्तों ये जो सरेंडर वाली जो बात है, ये मैं कैसे पहचानू कि मैं सरेंडर हो गया हूं करके, मैं जब भी बता कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ही इज सरेंडर करके बिफोर अल्कोहल, या ही इज पावरलेस ओवर अल्कोहल। मैं कि नहीं, वो जो बोलते ना, मैं 52, हमारे एक से वर्ड है 52 करने, या फिर क्या मैं ये नहीं करता रहता, मैं मच नहीं करता रहता मैं ज्यादा, मेरे अंदर में एक सुकून आता है, मेरे को एक ही मीटिंग अच्छी लगने लगती है, मेरे को ए के लोग अच्छे लगने लगते हैं, मेरे को ए में सुनना अच्छा लगता है, मैं अपनी शान पर नहीं है, मेरे को सुनो मैं बताना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाहता हूं, मैं ज्यादा ये हूं करके। ऐसे नहीं आता जो आदमी शरीर में, उसको लगता है कि नहीं यार मुझे बहुत कुछ चीजें मालूम नहीं है, मुझे इनसे सीखना है, इनको इनके पास मेरे पास जो नहीं है उनके पास में इनसे कुछ सीखना है। मैं अपने आप में शांत हाफ हार्ट, आधी अधूरी दिखावे के लिए हाफ हार्टेड, आधे मन से किया हुआ सरेंडर कभी भी सक्सेस नहीं होता दोस्त। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि एक ही मीटिंग्स का रिकवरी रेट क्यों है, क्या इतना ज्यादा क्यों है? हम जो शेयरिंग करते हैं, मैं बाहर की मार्केट में कहीं भी घूम के आ जाऊं, अगर मैं दुनिया में सोचा रहता कि मैं दारू बंद करना चाहता हूं तो मेरे को मालूम नहीं मेरे को सक्सेस मिला रहता या नहीं मिला रहता। अगर मैं एक ही मीटिंग्स में आया और एक ही मीटिंग्स में बैठने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं दारू के सामने पावरलेस और सरेंडर स्वीकार कर लेना चाहिए करके? हमारे जो अनुभव है, हमारे जो शेयरिंग है, उसमें इतनी गहराई है, इसमें इतना वजन है कि जब वो अगला आदमी अपना अनुभव बांटता है तो मेरे अंदर में वो युद्ध चालू हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं यार मैंने भी ऐसा किया हूं, भावनाएं मिलती है, दर्द मिलता है, दर्द एक ही दर्द है हमारा, पेन, अनुभव मिलते हैं, फिर बाद में लगता है कि यार वो आदमी जब कर सकता तो मैंने क्यों नहीं करना चाहिए। वो जो सरेंडर, वो जो दारू के सामने इतनी सारी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी उसने अपने आप को दारू के सामने सरेंडर कर लिया, तो मैंने क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये दोस्तों क्या है, ये जो है, ये जो हम बोलते हैं कि लागुट बीमारी है, लागुट। मैं किसी को देखता हूं तो मैं भी करने लगता हूं, संसार का जन्य रोग है वाला सरेंडर वाली का। तो जब मैं एक मीटिंग्स में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इतने सारे लोगों ने सरेंडर किया, मैं इनसे कुछ अलग हूं क्या, मैं क्यों ना इनके साथ में करूँ क्या, इनके साथ में मैं भी अपने 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 आप को इनकी ये जो राह में चल रहे होंगे अपने आप को कदमों के साथ मिला के मैं भी करूँ करके। तो हमारे इसीलिए हमको हमारे ए के मीटिंग्स में हमारे अंदर में जो जो मेरे अंदर में बदलाव आना चाहिए, मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों के अंदर, मेरे एटीट्यूड के बारे में, मेरे बर्ताव के बारे में, मेरे पर्सनलिटी के बारे में, वो बदलाव ए के शेयरिंग में वो के जरिए मेरे अंदर में बहुत जल्दी आया था कि मैं पावरलेसनेस को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ कि नहीं यार जैसी जिंदगी है वैसे ही करता। तो दोस्तों ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात है, सरेंडर वाली जो बात है, ये जो है, ये बात जो है, ये मेरे अंदर यानी ये है इमोशनल
स्टेप है, मेरे को चौथा कदम लेना है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा, किसी आदमी को मिलना पड़ेगा। पहला कदम के लिए मुझे किसके साथ शेयर करने की बात नहीं है, वो अनुभव करने वाली बात है, वो इमोशनल स्टेप है, वो एक वैचारिक स्टेप है, वो मेरे अंदर में बदलाव लाने वाली चीजें है। द्वंद्व युद्ध चल रहा था मेरे अंदर में, एक इसमें मेरी बर्बादी रहती, एक तरफ मेरी जिंदगी रहती, उसमें से मैं क्या चुनता हूँ और कौन से विचारों को पकड़। इसमें दोस्तों जब मैं एक चैनल बोलता है, जो मैंने वो बीज बोया हूं ना, उसको खत पानी देता हूं कि मैं जहर डालता हूं। बाहर के दुनिया में जिस पौधे को जिस तरीके से मैं दूंगा, अगर मैं नकारात्मक विचारों को खत पानी दूंगा तो मेरे अंदर में नकारात्मक विचारों का डेवलपमेंट होगा, और अगर मैं सकारात्मक विचारों को अगर खत पानी डालता हूं तो सकारात्मक विचारों का पौधा मेरे अंदर में बढ़े। तो एक ही मीटिंग्स में आने के बाद में मेरे अंदर में सकारात्मक विचारों का ये होता है, संवर्धन होता है, बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, और जो नकारात्मक विचार है जो मेरे को सरेंडर करने के लिए बाधित होते हैं, रुकावट होते हैं, उनको मैं नष्ट करता हूं। और ये जो है सकारात्मक बातें, एक दिन का आधार लेना है मुझे, मैं स्वीकार करता हूं। क्या एक दिन से आधार लेना चाहता है? अपना मानव रास्ता है, एक्सक्यूज। मैं एक मेरे दोस्त को लेके गया, एक मेरा एक दोस्त लीवर खराब हो गया और उसको एक ही मीटिंग में लाने के लिए गया। वो मेरे को क्या बोलता है, वो दूसरे आदमी की तरफ बोलता था, वो नहीं बोले 80 साल का है, बोले रोज दो का एक दारू पीता। बोले मैं बोला साले भाई तेरे लिए आया हूँ, तो वो मेरे को बता रहा हूँ मैं तेरे को एक ही मीटिंग में लेने के लिए आया हूँ, तेरे लीवर खराब, घर का पानी नहीं चलता, ऑयल पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को दूसरे आदमी को तरफ करके बता रहा, वो 80 साल का हो गया दारू पीता था। देखो मेरे अंदर में अहंकार कितना, मैं अभी भी मेरी मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, लीवर खराब हो गए, फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि साला मेरे को दारू से दूर रहना है। वो मेरे को बता रहा है, आपने मना करता है तो वो ये क्या मीटिंग में था कह रहा। अभी मैं एक दो लोग एक बंदों को शेयर, आपने मना करता है, मैं आपने मारो है तो मैं आकाश करूँ दाखो ना, खाली तो उड़ा मनाता। तो दोस्तों ये सरेंडर वाली जो बात है, ये मैंने स्वीकार कर लेना चाहिए, जितने जल्दी स्वीकार करूंगा मैं उतने ही जल्दी मेरी रिकवरी की प्रोसेस चालू होने वाली है। और इसके बाद में मेरे अंदर में सरेंडर करने के बाद में, पावरलेस से स्वीकार करने के बाद में एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होता है। वो जो नई ऊर्जा है, वो नई ऊर्जा मेरे को एक नई जिंदगी, एक आशा, एक समाधान, एक मानचित्त शांति और एक कुछ तो भी नया करने की ऊर्जा वो देती है। उसके वजह से फिर मैं एएमए चलना अच्छा लगता है, एक ही मीटिंग अच्छी लगती है, एएमए वक्त गुजारना अच्छा लगता है। मैं जब नया नया आया था तो मैं ये चाहता था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरी जिंदगी का वक्त एएमए मेंबर्स के साथ में गुजरेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में वो आयाम आ गया था, वो पड़ाव आ गया था। उस वक्त मैं चाहता था कि नहीं, अभी मैं मेरी मस्ती हो गई सर, मैं उनको चाय पिलाता था, उनके साथ नाश्ता कराता था, मेरे साथ रहो करके मैं उनको ये करता था, गुजारिश करता था। तो दोस्तों ये जो विषय था, इस विषय के ऊपर मेरे जो कुछ भी अनुभव थे, चेयरमैन साहब ने मौका दिया, सत्यन ने भी काफी कुछ मेरे लिए प्रयत्न किया, तो मुझे लगता है कि मैंने अभी जो ये विषय है सरेंडर, एक्सेप्टेंस एंड ये काफी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं वक्त को देखते हुए मैं यहीं अपनी शेयरिंग को विराम करता हूं और चेयरमैन साहब को ये माइक सौंपता हूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।